आप देख रहे हैं संवेदना न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा के अंतर्गत जन अधिकार पार्टी के द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा, रामकरण कश्यप, कमलेश चौहान रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा सैदपुर से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी रामलोचन राम को सैदपुर वालों अपना स्नेह प्यार दें और आने वाले 7 मार्च को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाएं। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा ने अपोजिट पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जिसका भी सरकार आई है, सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो, सब अपने बारे में सोचा। भाजपा ने झूठे वादे कर अपनी सरकार बनाई। कहते हैं इस प्रदेश में जितने लोग रहते हैं सबको हिस्सा मिले, भागीदारी मिले, अपना वोट सही जगह डालें, सोच समझ कर करें और भागीदारी मोर्चा से प्रत्याशी रामलोचन राम को विजय बनाएं। चुनावी सभा थी, हम लोग अपील करने के लिए आए थे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जो हमारे प्रत्याशी हैं सैदपुर से डॉक्टर रामलोचन राम जी और जखनिया से रामबचन राम जी, दोनों का चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट हैं। तो अपील करने आए थे यहाँ के साथियों से कि आप इनको अपना समर्थन दे करके, वोट दे करके इनको जिता करके उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का कैसा चुनाव रहेगा? इसको बढ़िया चुनाव है, सभी पार्टियां लड़ रही हैं, सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, हम भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या लगता है सर कितनी सीटें आएंगी? सच ये है कि जिसको लोग आशीर्वाद देंगे वो जीत के जाएगा, जिसको लोग आशीर्वाद नहीं देंगे वो नहीं। क्या लगता है सर कितनी सीटें आएंगी? अब ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है कि कितनी सीटें आएंगी, जितने में लोग आशीर्वाद दे देंगे। हम अपनी बातें कह रहे हैं लोगों के बीच में जा जा करके, हमारे प्रत्याशी कह रहे हैं लोगों को, जितनी बात हमारी समझ में आएगी लोग हमें आशीर्वाद देंगे। कुशवाहा जी, 2 दिन पहले सपा नेता जावेद आबदी जी आए तो उन्होंने बोला कि ओएसी को कुछ मिलने वाला नहीं है प्रदेश से, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी तो 400 जीत रही है और बीजेपी 300 पार कह रही है, 403-700 होते हैं, सीट तो 403 ही है, तो दोनों लोग मिल करके 403 जीत रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है। अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, हम इतना जानते हैं कि ओवैसी साहब गरीब की, कमज़ोर की, पिछड़े की, मुसलमान की, दलित की बात करते हैं, उसके हक हिस्से की बात करते हैं। और ओवैसी साहब अब अकेले नहीं हैं उत्तर प्रदेश में, बाबू सिंह कुशवाहा उनके साथ में हैं, रामकरण कश्यप उनके साथ में हैं, केवट रामधनी बिन जी हैं, कमलेश चौहान जी हैं, पूरा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, वो अकेले नहीं है और पूरी मजबूती के साथ कर रहे हैं। वर्तमान सरकार का ये पश्चिम में सबका हवा निकाल दिए हैं? हाँ, कहने में क्या जाता है, कह तो सकते ही, बाकी तो 10 तारीख को पता चलेगा ना।